ओम शांति। 14 अप्रैल 2020 अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य हैं। साकार बाप दादा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हारा प्यार विनाशी शरीरों से नहीं होना चाहिए। एक विदेही से प्यार करो, जिसकी देह ही नहीं है उससे प्यार करो, देह को देखते हुए भी नहीं देखो। प्रश्न, बुद्धि को स्वच्छ बनाने का पुरुषार्थ क्या है? बुद्धि को स्वच्छ बनाने का पुरुषार्थ क्या है? दूसरा प्रश्न है, स्वच्छ बुद्धि की निशानी क्या है? बुद्धि को स्वच्छ बनाने का पुरुषार्थ है, देही अभिमानी बनो। देही अभिमानी बनने से ही बुद्धि स्वच्छ बनती है। ऐसे देही अभिमानी बच्चे अपने को आत्मा समझ एक बाप को प्यार करेंगे। जिससे प्यार होता है, क्या सबूत होता है? उसका कहना मानना ही है। जिससे प्यार होता है उसका कहना माना जाता है। बाप से ही सुनेंगे और किसी की बात सुनेंगे ही नहीं, मानेंगे ही नहीं। एक बाप को सुनना है, एक बाप का ही कहना मानना है। लेकिन जो मूढ़मति हैं वो देह को प्यार करते हैं, वो देह को प्यार करते हैं, देह का कहना मानते हैं, देहधारियों का कहना मानते हैं, देह को ही श्रृंगारते रहते हैं। बालों को रंग करना है, ये करना, वो करना, देह को ही श्रृंगार करते रहते हैं। ओम शांति। ओम शांति किसने कहा और किसने सुना? और सत्संगों में तो जिज्ञासु सुनते हैं, महात्मा व गुरु आदि ने सुनाया ऐसे कहेंगे, और यहां परम आत्मा ने सुनाया और आत्मा ने सुना। नई बात है ना, देही अभिमानी होना पड़े। कई यहां भी देह अभिमानी हो बैठते हैं, यहां पर भी देह अभिमानी होकर बैठते। तुम बच्चों को देही अभिमानी हो बैठना चाहिए। मैं आत्मा इस शरीर में विराजमान हूं, शिव बाबा हमको समझाते हैं, ये बुद्धि में अच्छी तरह याद रहना चाहिए। मुझ आत्मा का कनेक्शन परम आत्मा के साथ है। परमात्मा आकर इस शरीर द्वारा, ब्रह्मा बाबा के तन द्वारा सुनाते हैं। ये दलाल हो गया, ये दलाल हो गया। तुमको समझाने वाला वो है, इनको भी वर्षा वे देता है। तो बुद्धि उस तरफ जानी चाहिए। समझो, बाप के 5-7 बच्चे हैं, उन्हों का बुद्धि योग बाप तरफ रहेगा ना, क्योंकि बाप से वर्षा मिलना है। भाई से वर्षा नहीं मिलता, वर्षा हमेशा बाप से मिलता है। आत्मा को आत्मा से वर्षा नहीं मिलता, आत्मा को आत्मा से वर्षा नहीं मिलता। आत्मा को तुम जानते हो, आत्मा के रूप में हम सब भाई भाई हैं। हम सब आत्माओं का कनेक्शन एक परम पिता परम आत्मा के साथ है। वो कहते हैं, माम एकम, याद करो, मुझ एक के साथ ही प्रीत रखो, रचना के साथ मत रखो, देही अभिमानी बनो, मेरे सिवाय और कोई देहधारी को याद करते हो तो इसको कहा जाता है देह अभिमान। कोई भी देहधारी याद आया तो क्या बन गए? देह अभिमानी। भल ये देहधारी तुम्हारे सामने है, ब्रह्मा बाबा तुम्हारे सामने है, परंतु तुम इनको देखो, बुद्धि में याद उनकी रहनी चाहिए, शिव बाबा की।
वे तो सिर्फ कहने मात्र भाई कह देते हैं, अभी तुम जानते हो हम आत्मा हैं, परम पिता परम आत्मा की संतान है, वर्षा परम पिता परम आत्मा बाप से मिलता है, वो बाप कहते हैं तुम्हारा लव मुझ एक के साथ होना चाहिए, तुम्हारा लव मुझ एक के साथ होना चाहिए। मैं ही खुद आकर तुमको तुम आत्माओं को की अपने साथ सगाई कराता हूँ, तुम आत्माओं की अपने साथ सगाई कराता हूँ, देहधारी से सगाई नहीं, और जो भी संबंध हैं वो देह के यहाँ के संबंध हैं। इस समय तुमको देही अभिमानी बनना है। क्या बनना है? देही अभिमानी बनना है। हम आत्मा बाप से सुनते हैं, हम आत्मा बाप से सुनते हैं, बुद्धि बाप तरफ जानी चाहिए, बाप इनके बाजू में बैठ हमको नॉलेज देते हैं। उसने शरीर का लोन लिया हुआ है, आत्मा इस शरीर रूपी घर में आकर पार्ट बजाती है, जैसे कि वे अपने को अंडर हाउस अरेस्ट कर देती है, अंडर हाउस अरेस्ट कर देती है पार्ट बजाने के लिए, जैसे लॉकआउट कर देते हैं सबको बंद, कोई बाहर नहीं निकलेगा, ऐसे आत्मा भी इस शरीर में बंदी हो जाती है, इस शरीर से बाहर निकल नहीं सकती है। तो फ्री, परंतु इसमें प्रवेश कर अपने को इस घर में बंद कर पार्ट बजाती है। आत्मा ही एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर लेती है, पार्ट बजाती है। इस समय जो जितना देही अभिमानी रहेंगे वे उच्च पद पाएंगे। बाबा के शरीर में भी तुम्हारा प्यार नहीं होना चाहिए, ब्रह्मा बाबा के शरीर में भी तुम्हारा प्यार नहीं होना चाहिए, रिंचक मात्र भी नहीं होना चाहिए। सोचो, रिंचक मात्र भी शरीर से प्यार नहीं होना चाहिए, और हम उसके ही फोटो को देखते रहें, उसको ही बाप बाप कहकर सारी बातें सुनाते रहें। ये बात ठीक है कि इसके माध्यम से हम शिव बाबा को देखेंगे, याद भी हमने शिव बाबा को ही करना है, शिव बाबा से ही बात करनी है। बुद्धि में रहे, ये तो मात्र रथ है, इस रथ से याद आए कि इस रथ में कौन सवार है, किसने इस रथ की सवारी की। ये शरीर तो कोई काम का नहीं, मैं इस शरीर में प्रवेश करता हूं सिर्फ तुमको समझाने के लिए। यह है रावण का राज्य, पराया देश है, रावण को जलाते हैं परंतु समझते नहीं, चित्र आदि जो भी बनाते हैं उनको जानते नहीं, बिल्कुल ही मूढ़मती हैं। रावण राज्य में सब मूढ़मती हो जाते हैं, देह अभिमान है ना, तुच्छ बुद्धि बन गए हैं। बाप कहते हैं मूढ़मती जो होंगे वो देह को याद करते, वो देह को याद करते, देह से प्यार रखेंगे। स्वच्छ बुद्धि जो होंगे वे तो अपने को आत्मा समझ परमात्मा को याद कर परमात्मा से सुनते रहेंगे। इसमें ही मेहनत है, ये तो बाप का रथ है, बहुतों को का इनसे प्यार हो जाता है, ये तो बाप का रथ है, बहुतों का प्यार इनसे हो जाता है, जैसे हुसैन का घोड़ा। हुसैन किसे कहते हैं? स्त्री में हसीन पुरुष को हुसैन, बहुत सुंदर, सबसे सुंदर कौन? शिव बाबा। जैसे हुसैन का घोड़ा, उनको कितना सजाते हैं। अब महिमा तो हुसैन की है ना, कि घोड़े की है? हुसैन का घोड़ा है, परंतु जब वो ताजिया निकालते हैं तो घोड़े को बहुत श्रृंगार करके ले जाएंगे। अब महिमा तो हुसैन की है, घोड़े की क्या वैल्यू है?
घोड़े की तो नहीं है ना, जरूर मनुष्य के तन में हुसैन की आत्मा आई होगी ना, सबसे सुंदर शिव बाबा, उसकी आत्मा जरूर किसी मनुष्य तन में आई होगी ना, वो इन बातों को नहीं समझते। अब इसको कहा जाता है राज स्वे अश्व मेघ अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ या रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ, पूरा नाम है राजस्वे, जिसके द्वारा हम स्वयं पर राज्य करना सीखते हैं। अश्वमेघ, जिसके द्वारा हम इन घोड़ों को, कर्म इंद्रियों को अपने वश में करते हैं। आपने देखा होगा कर्म इंद्रियों को घोड़े के रूप में, रथ के रूप, रथ में पांच घोड़े लगे हुए दिखाए हैं। तो घोड़ों को अपने कंट्रोल में करना था। अविनाशी, जो कभी विनाश नहीं होता, रुद्र शिव परमपिता परमात्मा द्वारा ज्ञान यज्ञ रचा जाता है, इसे ज्ञान यज्ञ कहें, इसे गीता ज्ञान यज्ञ कहें, बात एक है। परमात्मा आकर ज्ञान सुनाते हैं, जिससे हम अपने घोड़ों को अपने वश में कर अपने कर्म इंद्रियों के स्वयं के राजा बनते हैं। यह है एक ऐसा अविनाशी यज्ञ। अश्व नाम सुनकर उन्होंने फिर क्या किया, घोड़ा समझ लिया और यज्ञ में घोड़े को स्वाहा कर दिया। ये सब कहानियां, नहीं लगता कि ऐसा भी करते होंगे, बाकी करते हो तो एक अलग बात है, पर तो कहानियां। अब उन्होंने पढ़ा कि लिखा गया है कि रुद्र अश्वमेघ यज्ञ, तो उन्होंने समझ लिया कि घोड़े को स्वाहा करना है, जबकि बहुत ही अच्छी तरह से रामायण के अंदर दिखाया कि घोड़े को छोड़ा गया, कि जो इस घोड़े को पकड़ेगा उसे युद्ध करना पड़ेगा, ना कि जो स्वाहा करने वाली बात थी, परंतु दृष्टिकोण है, देखने का नजरिया है, लेखक ने देखा और उन्होंने दिखा दिया कि अपना प्रजापति को जो है क्या करना था, यज्ञ करना था, और उन्होंने घोड़े को स्वाहा कर दिया। ये सब कहानियां हैं भक्ति मार्ग। अभी तुमको हसीन बनाने वाला मुसाफिर तो ये है ना, ये है हुसैन शिव बाबा। अब तुम जानते हो, हम पहले गोरे थे फिर सांवरे बने, जो भी आत्माएं पहले पहले आती हैं तो पहले पहले सतो प्रधान, फिर सतो रजो तमो में आती हैं। बाप आकर सबको हसीन बना देते, जो भी धर्म स्थापक स्थापन अर्थ आते हैं वे सब हसीन आत्माएं होती हैं। बाद में काम चिता पर बैठ काली हो जाती, पहले सुंदर फिर श्याम बनती हैं। ये नंबर वन में पहले नंबर आते हैं तो सबसे जास्ती सुंदर बनते हैं। इन लक्ष्मी नारायण जैसा नेचुरल सुंदर तो कोई हो ना सके, ये ज्ञान की बात है। भल क्रिश्चियन लोग भारतवासियों से सुंदर गोरे हैं क्योंकि उस तरफ के रहने वाले हैं, परंतु सतयुग में तो नेचुरल ब्यूटी होती है, आत्मा और शरीर दोनों सुंदर। इस समय सब पतित सांवरे हैं, फिर बाप आकर सबको सुंदर बनाते हैं। पहले सतो प्रधान पवित्र बनते हैं, फिर उतरते उतरते काम चिता पर बैठ काले हो जाते हैं। अब बाप आया है सब आत्माओं को पवित्र बनाने के लिए। बाप को याद करने से ही तुम पावन बन जाएंगे, तो याद करना है एक को, देहधारी से किसी भी देहधारी से प्रीत नहीं रखनी है, किसी भी देहधारी से प्रीत नहीं रखनी है। बुद्धि में ये रहे कि हम एक बाप के हैं, वही सब कुछ है। इन आंखों से देखने वाले जो हैं, जो भी हैं, वे सब विनाशी। इन आंखों से जो भी देखने वाले हैं वे सब विनाश हो जाएंगे, ये आंखें भी खत्म हो जाएंगी। परमपिता परमात्मा को तो त्रिनेत्री कहा जाता है, उनको ज्ञान का तीसरा नेत्र है, त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी त्रिलोकीनाथ, तीन शब्द हैं त्रिनेत्री। उनको ज्ञान का तीसरा नेत्र है त्रिनेत्री, जिसके तीन नेत्रों, इन दो नेत्रों के सिवाय तीसरा नेत्र अलग, जिसे कहते ज्ञान चक्षु, दिव्य चक्षु।
जिसके द्वारा वो देखा जाता है जो इन दो आंखों से नहीं देखा जा सकता। वो क्या है जो तीसरे आंख से देखा जाता है? आत्मा, परम आत्मा। ज्ञान का तीसरा नेत्र, त्रिकालदर्शी, जो तीनों कालों को जानता है, कि जो कर्म तीनों कालों का जानने वाला, जो कर्म मैं आत्मा वर्तमान में करूंगी वही अगले सेकंड पास्ट हो जाएगा। मैंने कर्म गंदा किया, पास्ट भी गंदा, प्रेजेंट भी गंदा, फ्यूचर भी गंदा। प्रेजेंट को बेस्ट किया तो पास्ट भी बेस्ट और फ्यूचर भी बेस्ट हो जाएगा। त्रिलोकी नाथ तीनों लोकों का स्वामी, ये टाइटल उनको मिले हैं। अभी तुमको तीनों लोकों का ज्ञान है, फिर ये गुम हो जाता है, जिसमें ज्ञान है वही आकर देते हैं। अब तीनों लोकों का, तीनों कालों का, जिसमें ज्ञान होगा वही तो आकर देगा। तुमको बाप 84 जन्मों का ज्ञान सुनाते हैं, बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो, मैं इस शरीर में प्रवेश कर आया हूँ तुमको पावन बनाने, मुझे याद करने से ही पावन बनेंगे, और कोई को याद किया तो सतो प्रधान बन नहीं सकेंगे, पाप कटेंगे नहीं, पाप कटेंगे नहीं, बाप को याद करेंगे तो पाप कटेंगे। पाप कैसे कटते हैं? जो हमने गलतियां की वो दुख, वो दर्द, वो तकलीफें तो आएंगी, परंतु उनको सहन करने की, सामना करने की शक्ति आ जाती है, तो सतो प्रधान बन नहीं सकेंगे। यदि बाप को याद नहीं करेंगे तो सतो प्रधान नहीं बन सकेंगे। पाप कटेंगे नहीं तो विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यन्ति। मनुष्य तो बहुत अंधश्रद्धा में है, देहधारियों में ही मोह रखते हैं। अब तुमको देही अभिमानी बनना है, एक में ही मोह रखना है, दूसरे कोई में मोह है तो गोया बाप से विपरीत बुद्धि है। बाप कितना समझाते हैं, मुझ बाप को ही याद करो, इसमें ही मेहनत है। तुम कहते भी हो हम पतितों को आकर पावन बनाओ, बाप ही पावन बनाते हैं। तुम बच्चों को 84 जन्मों की हिस्ट्री ज्योग्राफी बाप ही समझाते हैं, वे तो सहज है ना, बाकी याद की ही डिफिकल्ट, तो डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, याद की ही डिफिकल्ट, कठिन सब्जेक्ट है। ज्ञान बहुत आसान है परंतु याद करना बहुत मुश्किल है। बाप के साथ योग रखने में कोई भी होशियार नहीं है। जो बच्चे याद में होशियार नहीं वो जैसे पंडित है, कहते हैं ज्ञान सुनाते लंबा चौड़ा है परंतु जीवन में ज्ञान में बल कितने भी होशियार हों, याद में नहीं रहते तो वो पंडित हैं। बाबा पंडित की एक कहानी सुनाते हैं ना, जिसको सुनाया वे तो परमात्मा को याद कर पार हो गया। पंडित का दृष्टांत भी तुम्हारे लिए है, बाप को तुम याद करो तो पार हो जाएंगे, सिर्फ मुरली में तीखे होंगे तो पार जा नहीं सकेंगे। आप मुरली तो बहुत अच्छी सुना सकेंगे परंतु पार नहीं जा सकेंगे। याद के सिवाय विकार विनाश नहीं होंगे, ये सब दृष्टांत बनाए हैं। बाप बैठ यथार्थ रीति समझाते हैं, उनको निश्चय बैठ गया, एक ही बात पकड़ ली कि परमात्मा को याद करने से ही पार हो जाएंगे, सिर्फ ज्ञान होगा, योग नहीं तो ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। ज्ञान हो और योग नहीं हो तो ऊंच पद नहीं पा सकेंगे, ऐसे बहुत है, याद में नहीं रहते। मूल बात है याद की। बहुत अच्छी सर्विस करने वाले, बहुत बुद्धिमान, बुद्धि योग ठीक नहीं होगा तो फंस पड़ेंगे, बुद्धि योग ठीक नहीं होगा तो फंस पड़ेंगे। योग वाला कभी देह अभिमान में नहीं फंसेगा, अशुद्ध संकल्प नहीं आएंगे, याद में कच्चा होगा तो तूफान आएंगे। योग से कर्म इंद्रियां एकदम वश हो जाती हैं, कर्म इंद्रियां एकदम वश हो जाती हैं। बाप राइट और रॉन्ग को समझाने की बुद्धि भी देते हैं, औरों को दे तरफ बुद्धि जाने से विपरीत बुद्धि विनश्यन्ति हो जाएंगे। ज्ञान अलग है, योग अलग है, ज्ञान अलग है, योग अलग है। योग से हेल्थ मिलती है और ज्ञान से वेल्थ मिलती है। योग से शरीर की आयु बढ़ती है, आत्मा तो बड़ी छोटी होती नहीं, आत्मा तो बड़ी छोटी होती नहीं।
आत्मा कहेगी मेरे शरीर की आयु बड़ी होती है, अब आयु छोटी है, फिर आधा कल्प के लिए शरीर की आयु बड़ी हो जाएगी। हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हैं, सारा मदार आत्मा को पवित्र बनाने पर है, पवित्र नहीं बनेंगे तो पद भी नहीं पाएंगे। माया चाट रखने में बच्चों को सुस्त बना देती है, बच्चों को याद की यात्रा का चार्ट बहुत शौक से रखना चाहिए, देखना चाहिए कि हम बाप को याद करते हैं या और कोई मित्र संबंधियों को याद करते हैं। बुद्धि जाती है सारा दिन में याद किसकी रही अथवा प्रीत किसके साथ रही, क्योंकि जिससे प्यार होगा उसी की याद होगी। यदि परिवार वाले याद आते हैं तो प्रीत परिवार वालों से है, बाबा याद आता है तो प्यार बाबा से है। प्रीत किसके साथ रही, कितना टाइम वेस्ट किया, अपना चार्ट रखना चाहिए परंतु कोई में ताकत नहीं जो चार्ट रेगुलर रख सके। कोई विरला रख सकता है, माया पूरा चार्ट रखने नहीं देती, एकदम सुस्त बना देती है, चुस्ती निकल जाती है, सुस्त बन जाते हैं, जैसे शरीर में ताकत ही ना हो। बाप कहते हैं माँ में कम याद करो, मैं तो सभी आशिकों का माशूक हूँ, तो माशूक को याद करना चाहिए ना। माशूक बाप कहते हैं तुमने आधा कल्प याद किया, अब मैं कहता हूँ, अब बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो जाए। ऐसा बाप जो सुख देने वाला है कितना याद करना चाहिए। बाबा पूछ रहे हैं ऐसे बाप को जो सुख देने वाला है उसको कितना याद करना चाहिए। और तो सब दुख देने वाले हैं, वे कोई काम आने वाले नहीं हैं, अंत समय एक श्री परमात्मा बाप ही काम आता है। अंत का समय एक हद का होता है, अंत का समय एक हद का होता है और एक बेहद का होता है। हद का समय कौन सा होगा, एक घंटे दो घंटे का, साल का, छह महीने का, युग का, ये जो समय है ये हद का समय है। और एक बेहद का अंत, बेहद मीन्स ड्रामा, कंप्लीट ड्रामा का अंत। बाप समझाते हैं अच्छी रीति याद करते रहेंगे तो अकाले मृत्यु नहीं होगी। बेहद का मतलब हमें समझना है कंप्लीट, संपूर्ण ड्रामा के अंत का समय। बाकी है महीने का अंत, दिन का अंत, घंटे का अंत, साल का अंत। अच्छी रीति याद करते रहेंगे तो अकाले मृत्यु नहीं होगी, तुमको अमर बना देती। बाबा ने वंडरफुल पाठ आके पढ़ाया है, तुम अमर आत्मा हो। पहले तो बाप के साथ प्रीत बुद्धि चाहिए, कोई के भी शरीर के साथ प्रीत होगी तो गिर पड़ेंगे, फेल हो जाएंगे, चंद्रवंशी में चले जाएंगे। स्वर्ग सतयुगी सूर्यवंशी राजाई को ही कहा जाता है, त्रेता को भी स्वर्ग नहीं कहेंगे। जैसे द्वापर और कलयुग हैं तो कलयुग को रौरव नर्क तमो प्रधान कहा जाता है, द्वापर को इतना नहीं कहेंगे। फिर तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए याद चाहिए। खुद भी समझते हैं हमारी फलाने से बहुत प्रीत है, उसके आधार बिगर हमारा कल्याण नहीं, वो साथ नहीं तो हमारा कल्याण नहीं होगा। अब ऐसी हालत में अगर मर जाएं तो क्या होगा, विनाश काले विपरीत बुद्धि विनेश्यंती। किसी व्यक्ति विशेष को समझ लिया कि उसके बिना काम नहीं चलेगा और वो मर गया तो क्या होगा, फिर काम कैसे चलेगा। विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यति, धूल छाई पद पा लेंगे
दूध साई जैसे छोटी देर थोड़ी देर के लिए छोटा सा पद पा लेंगे, जैसे धूल की छाया, रेत के कण की छाया जरा सा। आजकल दुनिया में फैशन की भी बहुत बड़ी मुसीबत है, अपने पर आशिक बनाने के लिए शरीर को कितना टिप टॉप टेढ़े मेढ़े ऐसे वैसे कपड़े पहनेंगे ताकि वो मेरे शरीर को देखे। अब बाप कहते हैं बच्चे किसके भी नाम रूप में मत फंसो, लक्ष्मी नारायण की ड्रेस देखो कैसी रॉयल है, वे है ही शिव आलिये, इसको कहा जाता है वैश आलिये। इन देवताओं के आगे जाकर कहते हैं हम वैशालय के रहने वाले हैं। आजकल तो फैशन की ऐसी मुसीबत है, सबकी नज़र चली जाती है, फिर पकड़कर भगा ले जाते। सतयुग में तो कायदे सिर चलन होती है, वहाँ तो नेचुरल ब्यूटी है ना, अंधश्रद्धा की बात नहीं, यहाँ तो देखने से दिल लग जाती है, तो फिर और धर्म वालों से भी शादी कर लेते, फिर धर्म की भी मर्यादा खत्म। अभी तुम्हारी है ईश्वरीय बुद्धि, पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बाप के सिवाय कोई बना ना सके, वे है ही रावण संप्रदाय, तुम अभी राम संप्रदाय बने हो, राम पांडव और कौरव एक ही संप्रदाय के थे, बाकी यादव है यूरोपवासी। गीता से कोई भी नहीं समझते कि यादव यूरोपवासी, गीता से नहीं समझते, बाबा आबा के समझाते, वे तो यादव संप्रदाय भी यहाँ कह देते हैं। पांडव कौरव यादव भारत में ही रहते थे, बाप बैठ समझाते हैं यादव हैं यूरोपवासी जिन्होंने अपने विनाश के लिए मुसल आदि बनाए हैं, पांडवों की विजय हो फिर क्या हो। पत्थर बुद्धि है ना, ड्रामा के राज को जरा भी कोई जानते ही नहीं। बाबा के पास बच्चे आते हैं कहते हैं भल जेवर आदि पहनो, बाबा कहते हैं भल जेवर आदि पहनो, कहते हैं बाबा यहाँ जेवर शोभते कहाँ हैं, पतित आत्मा पतित शरीर को जेवर क्या शोभेंगे, वहाँ तो हम इन जेवरों आदि से सजे रहेंगे, अथा धन होता है सब सुखी हो सुखी रहते हैं, बल वहाँ फील होता है ये राजा है हम प्रजा हैं, परंतु दुख की बात नहीं है, यहाँ अनाज आदि नहीं मिलता, वहाँ तो सब कुछ मिलता है, दुख अक्षर मुख से निकलेगा ही नहीं, दुख अक्षर मुख से निकलेगा ही नहीं, नाम ही है स्वर्ग। यूरोपियन लोग इनको पैराडाइज कहते हैं, समझते हैं यहाँ गॉड गॉडेस रहते हैं, इसलिए उन्हों के चित्र भी बहुत खरीद करते हैं, परंतु वे स्वर्ग वे फिर कहाँ गया, स्वर्ग फिर कहाँ गया ये किसको पता। तुम अभी जानते हो कि ये चक्र कैसे फिरता है, नई सो पुरानी, पुरानी सो फिर नई दुनिया बनती है, देही अभिमानी बनने में बड़ी मेहनत चाहिए। तुम देही अभिमानी बनने से इन अनेक बीमारियों आदि से छूट सकेंगे, बाप को याद करने से उच्च पद पा लेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है किसी भी देहधारी को अपना आधार नहीं बनाना, मेन बात याद रखनी है किसी भी देहधारी को अपना आधार नहीं बनाना है, आधार बनाना माना इसके बिना मेरा काम नहीं चल सकता, ये साथ तो मेरे को जरूर चाहिए। शरीरों से प्रीत नहीं रखनी है, दिल की प्रीत, दिल किसे कहते हैं, मन बुद्धि और संस्कार तीनों एक मत जहां हो उसे बोलते दिल की प्रीत।
एक बाप से रखनी है, किसी के नाम रूप में नहीं फंसना है, याद का चार शौक से रखना है, क्योंकि इसमें फुर्सत नहीं बनना है, सुस्त नहीं बनना है। चार्ट में देखना है मेरी बुद्धि किसकी तरफ जाती है, कितना टाइम वेस्ट करते हैं, सुख देने वाला बाप कितना समय याद रहता है। वरदान है आज का, विश्व महाराजन की पदवी प्राप्त करने वाले सर्व शक्तियों के स्टॉक से संपन्न भरपूर भाव, जो विश्व महाराजन की पदवी प्राप्त करने वाली आत्माएं हैं उनका पुरुषार्थ सिर्फ अपने प्रति नहीं होगा। अपने जीवन में आने वाले विघ्न व परीक्षाओं को पास करना ये तो बहुत कॉमन बात है, लेकिन अपने अपने जो विश्व महाराजन बनने वाली आत्माएं हैं उनके पास अब भी से ही सारी शक्तियों का स्टॉक भरपूर होगा। उनका हर सेकंड, हर संकल्प दूसरों के प्रति होगा, तन मन धन श्वास विश्व कल्याण में सफल होता रहेगा। स्लोगन है, एक भी कमजोरी अनेक विशेषताओं को समाप्त कर देती है, इसलिए कमजोरियों को तलाक दे दो। ओम।